क्या हुआ यार, आवाजें क्यों दे रहा? अबे यार ये देखो बाहर फेंक दिया, बाहर क्या फेंक दिया, वहां के देखो आगे वो देखो। अबे इस पे मेरे को शक हो रहा था, क्या हुआ? ये बीमार हो रही थी कल, शक हो रहा था ठंड से। बीमार या मारा इन लोगों ने, ये क्यों बाहर आया हुआ है? हो सकता लड़ भी आता है भाई। अबे रुको यार एक मिनट, इसको पकड़ो हाथ में उस वाले अपने। अबे यार ये कितना बेचारा, यही की अम्मा माँ है ना? हाँ भूखा हो रहा है ये, वो तो देख लेते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इसको क्या हुआ है। दूसरा बच्चा अंदर है यार, बीमार तो नहीं यार, अभी तो मैंने देखा है, सेट थी कल तक, तुमने खुद ने देखा है। ये देखो छुट्टियों ने खा लिया, रात की मरी हुई है। अबे कैसे मर रही है यार, बता नहीं भाई। इसको तो ठंड भी नहीं लग रही मुझे, चेक करो बिल्कुल। भाई ये काट रहा है हाथ में, और रात में इतनी ठंड भी नहीं थी। डब्बा लेके आ, ये हाथ में काट रहा है, काट रहा है हाथ के में यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। भाई समझ से बाहर है, ये रही इसकी माँ और ये रहा इसका बच्चा। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे। अब ये देखें, अब ये आज ये सुबह, कल हमने दिखाई है, मैं पूरी कॉलोनी दिखा रहा था, हमजा ने भी देखी है, तुमने देखी है ना कैसा सेट थी है। कुछ भी नहीं था यार, इसको कुछ होता तो अपन पहली दवाई कर देते, हम सबकी दवाई कर देते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा। ये बच्चा रह गया एक, जो हांडी में बच्चा है उसको भी निकालना है, निकालना और क्या। अब दोस्तों वो भी निकालेंगे, ये और वो, अब उसकी जिम्मेदारी दोनों की हमारे पे हो गई। बाकी ये है आज का हमारा सीन, देखें क्या हुआ हमारे साथ। डेली उठ गए ना कोई यार सेटअप से है, अजीब न्यूज मिल रही है दोस्तों, समझ ही नहीं आ रहा, अजीब बैड न्यूज मिल रही है। कोई मतलब बढ़ते ही जा रही है कहानियाँ, और एक एक करके चीज़ें मरती ही जा रही हैं। खैर इसको यार मैं दफना कर आता हूँ, और ये जो है ना छोटे मियाँ, यार तुम डब्बा उठा के ले आओ, ये काट रहा है बहुत गंदा। मोबाइल मुझे दे दो लास्ट। तो यार दोस्तों अब ये छोटू हमारी जिम्मेदारी बन गया है यार, तो समझ से बाहर है। देखो वहीं पड़ा हुआ है कोने पे आगे कहीं, तो अब इन छोटुओं को ना हमने पालना है भाई, और एक उसके अंदर है वो भी निकाल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बल्कि मैंने देखना था, आप लोगों को दिखाना था कि यार ये कितने बड़े हो गए, तो आज मुझे नहीं पता था ये किस्मत में मिलेगा कि ये इतने बड़े हो गए और इस हालत में मिलेंगे कि इनकी माँ जो है वो ऐसे मर जाएगी। यार बड़ी खूबसूरत थी यार, और बिल्कुल सेट थी यार, यकीन जानो। हैं भाई छोटू काट रहे हो? काट रहा है भाई, बहुत शदीद काट रहा है, यकीन जानो बहुत शदीद काट रहा है ये मेरा। और चलें इसकी किस्मत में हमारे साथ ही था कुछ ना कुछ नसीब, खाना पीना। ये लो यार जाओ छोटू इसके अंदर रहो, रुको दूसरा भी निकाल ही लूँ। पहले यार हाथ में ग्लव पहन लूँ, थोड़ा बड़ा है ये काट रहा है, वो तेज काटेगा। ये लो यार हमने पकड़ो। तो यार ग्लव चढ़ा उसको हटाओ पहले, अब बच्चे को निकालते नहीं, वो साइड पे धरिए। काट तो नहीं रहा ना, अबे इसकी भराई कर रहे हैं क्या? मारो इसको तो फेंक दिया ना, वो भराई कर रही है क्या यारी वाली माता की? पता नहीं यार कौन कर रही है, अभी पकड़ना तो है ना, पकड़ना। हाँ काट रहा है, काट बेटा भराई हुई भी है वो, देख उसको फेंक दिया ना, उसको भी हांडी में डाल दे शायद खिला देंगे। नारे खिला रहा दिया रात ही रात में, फिर क्या करेंगे अपन? नारे खिला रहा होगा बेटा मेरे ख्याल, इसका इतना कैसे भरा हुआ है यार? इसका तो भरा हुआ, तुम सही बोल रहे हो, और अगर मार दिया रात ही रात में अपन क्या करते रहेंगे? चेक करो शाम तक डालो, देखो। हाँ शाम तक देखो, अगर नर नहीं दिखा रहा और नहीं खिला रहा तो देखो भरा हुआ है। हाँ तो वही तो भरा, दाना भरा हुआ, क्या करें? रखो डाल के चेक डाल दो। हाँ अभी डाल दो, आज रख के देख लेते हैं कल निकाल लेंगे। तो यार दोस्तों हमजा ये बोल रहा है कि नीचे आप क्या करते हैं, ये बोल रहा है अभी हम नहीं रखते हैं, एक दिन के लिए रखते हैं, अभी डाल देता हूँ उसको भी, इसको भी अंडी में, सिर्फ एक दिन चेक करते हैं भाई, फिर रात में भी अपन चेक करते रहेंगे, पता चले सुबह मरे हुए मिलेंगे अपन को। अरे छोटू मियां क्या पकड़ रहे हो, चलो आ जाओ। वैसे बच्चा देख लें, देखें माशाल्लाह से भाई दूसरा ऐसे कलर का है हमारा, इसका बेबी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। आ जाओ भाई तुम अंदर जाओ, इसको भी अंदर रखो, ये लो इसको भी दे रहा हूँ। नहीं भाई दोस्तों इनको भी रख रहे हैं छोटे मियाँ को हम अंदर, बस दो ही बच्चे थे। हाँ दो ही बच्चे, बाकी अंडे खराब। चलो यार, तो दोस्तों फैसला हमने यही करा है, अभी
उसका एक का पेटा भरा हुआ है, तो हमें पता नहीं था कि उसका इतना पोटा भरा हुआ है कि उसको खिला रहे हैं। कौन खिला रहा है? तो हम ना बाप खिला रहा होगा, है ना, है ना। तो अगर बाप पाल ले सही से, खिला देता है पिला देता है, पेट पूरा भरता है, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अगर नहीं भर पाता तो हम कल निकाल लेंगे इसको। लेकिन यार छोटे वाले बच्चे को देखना पड़ेगा इधर, उसका पेटा भी बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ। शाम तक देखेंगे, अगर भरा हुआ तो ठीक, नहीं तो कल के ब्लॉग में दोस्तों हम आप लोगों को दिखा देंगे। अगर नहीं भरा हुआ तो शाम में हम उसको निकाल लेंगे, उसका पेटा फुल कर देंगे। बाकी यार ये इतनी प्यारी थी ना, यकीन जाने मेरे को बहुत दुख हो रहा है इसका। यार कितनी खूबसूरत थी ये, देखें रोशनी में कितना प्यारा कलर था इसका यार, कसम से यार दोस्तों। पहले मैं लाया था अपने हैकल जैकल, याद होंगे, उसकी माता भी ऐसी ही मरी थी जो मेरे दोस्त के पास थे आरिस के। तो समझ नहीं आता यार, कभी कभी ऐसी चीज़ें देख के ना बड़ा दुख होता है, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की रजा होती है भाई, कोई ना कोई वजह होती है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारा उन्हीं बनता है। खैर मैं इसको यार दफना कर आ जाता हूँ। A few moments later. तो यार ये देखें दोस्तों, पता नहीं अभी मैं खरीद नहीं जाऊंगा, ये देखें नर अंदर गया हुआ, ये रहा नर, ये नम भाई, ये अभी हमारी नजर पड़ी है और ये खिला रहा है दोनों को। यार दोनों को नहीं, शायद एक को खिला रहा है ये, देख लो लग रहा है तुम्हें दोनों को खिला। चले सामने ही खिला रहा है, एक चीज की हमें वो हो गई कि गारंटी की, हाँ यार खिला तो रहा है ना। तो देखें अभी भी वहीं बैठे हुए, अंदर खिला रहा है उस तरफ। अब देखेंगे हम कि ये सिर्फ बड़े वाले को खिला रहा है, छोटे वाले को भी खिला रहा है या नहीं। खैर अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो यार खुद भी हम ना खुद भी बाहर आ सकते हैं बड़े, लेकिन बड़े वाला नहीं आए, छोटे वाला कैसे आए, वैसे भी नहीं आएंगे बेटा बाहर, ये गिर गया होगा खाते हुए यार। बस अल्लाह खैर करे। वो देखो ना, ये देखें दोस्तों, ये रहा छोटे वाले भी खिला रहा है यार। तो चलें यार, बहुत अच्छी बात है, हमारे सामने इस खिलाते हुए दिख गया दोस्तों। हमें ये है कि खिला तो रहा है, बस बच्चे यार जल्दी बड़े हों, अगर ये नहीं खिला पाता ना तो हमारे लिए बहुत मसला था, क्योंकि जो माँ बाप वो बोलते हैं ना एक तरबियत करते हैं, वो हम नहीं कर सकते भाई, इनकी जानवरों की जो वो करते हैं उनका एक खिलाना अपना होता है, हिसाब किताब। हम सिरिलैक पे पालते हैं या फिर वो चीज़ें खिलाते, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था दोस्तों। बाकी यार बर्ड दवेरी के लिए दुआ करेंगे बस, हमारा एक एक करके सभी चले गए, लोटिनो की पार्टनर चली गई है हमारी, और ये अंडे नहीं दे रहे हैं, ये जो मैं पता नहीं क्या मस्करियाँ करते रहते हैं तुम्हारे वाले, ये अमदा के जो दोस्त देखें पेयर है, इनकी अजीब मस्करियाँ हैं। एक अंडा दिया था तोड़ दिया, फिर दूसरा दिया वो बाहर फेंका, मिल रहा क्या चल रहा है पता नहीं, इनका जो उनका भी नहीं पता, और सब ना। तो बस दोस्तों बिग केज बनाना था, पर उससे पहले हमारा इतनी परेशानी आई, चैनल का सारा कुछ ही एक साथ ख़राब कर दिया यार। खैर आप लोगों से हर बार यही बोल रहा हूँ हर वीडियो में अपनी, कि दुआ करें कि जल्द अज जल्द चैनल भी सेट हो हमारा, तो हम और चीज़ें यार लेकर आएँ और सही से फिर अपना पूरा मैं स्टार्ट करूँ काम, जो मेरे को यहाँ कुछ कराना था, मैंने सरप्राइज़ रखा था, पर सारा सरप्राइज़ ना तितर बितर कर दिया मेरा। तो यार आज वैसे तो वीडियो में दोस्तों आपको पता है खिलाने पिलाने के टाइम पे शुरू कराता हूँ, पर ये एक चीज़ मिल गई, इंसिडेंट ऐसे हमारे साथ हो जाते हैं अक्सर, और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं आजकल, तो बस इसलिए आज वीडियो इसी वक्त स्टार्ट कर दी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो भाई, जो वीडियो तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छी बने, पर ऐसे इंसिडेंट मिल जाते ना बुरे, तो बहुत बुरा लगता है यार। खैर तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।